दोस्तों यह है हमारा लाहौरी गेट और यहीं से होती है आम लोगों की एंट्री। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो बाहर का पोर्शन है ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये जो हम अपना लाल किला है, यहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। ये कभी मुग़लों का शाही कैदखाना हुआ करता था, जहाँ पर मुग़लों के जो राजा, मतलब जो शहजादे वगैरह होती थी, शहजादियाँ होती थी या करीबी होते थे, उनको पसंद नहीं होते थे, वो उनको यहाँ लाके कैद कर दिया करते। को लाल किले की जो दीवार है, जिसे प्राचीर कहा जाता है, पीछे से कैसी दिखती है वो दिखाता हूँ। ऊपर जाने का रास्ता है ये बने हुए रास्ते, ये रही बावली। तो ये लाल किले की बावली है, हिडन जेन, यहाँ पर हर कोई नहीं आता है। वो जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, वो उधर की तरफ, ये यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जेल खाने के तौर पे यूज़ करते थे। ये है यहाँ की गुफा, जो कभी सीधा आगरा में जाके खुलती थी, आज मोती मस्जिद आम लोगों के लिए बंद है। जब लाल किले का निर्माण हुआ था तो मेन स्ट्रक्चर में ये वाली मस्जिद बिल्कुल भी नहीं थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूँ यासर और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाल किला, रेड फोर्ट। वैसे तो आज मेरा यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मैंने कुछ प्लान किया था कि मैं आऊँगा, लाल किले की वीडियो बनाऊँगा। घर पर लेटा हुआ था, आराम से अपने जो न्यूज़ है वो देख रहा था, तो वहाँ पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि लाल किला जो है फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो मैंने सोचा यार चलो आज लाल किला चलते हैं और लाल किला घूम कर आते हैं, वहाँ की वीडियो बनाते हैं। वैसे आपको बता दूँ, लाल किला मेरे घर के एकदम करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैं तो पैदल आ जाता हूँ, तो पैदल यहाँ पर आ गया। तो आज अपनी इस वीडियो में हम ये जो पूरा लाल किला है इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ की एक एक डिटेल देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले डिटेल दूँ, मेरे पर्सनल फेवरेट जो सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री, इतिहास, ज़रा सा आपको बता देता हूँ कि लाल किले का इतिहास जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल रहा होगा सन 1635 का, तब शाहजहाँ ने को ये मतलब विचार आया, या बोल सकते हैं उसने सोचा कि चलो यार अपनी जो राजधानी है ना उसको शिफ्ट करते हैं, उसको दिल्ली लेके चलते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ, सोचने लग गए कि दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में बहुत सारी जगह थी ना, महल बनाता था, तो दिल्ली में किस जगह महल बनाया जाए। तो काफ़ी खोजबीन हुई, तफ्तीश हुई, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो दिल्ली में महल बनाया जाए वो बनाया जाए यमुना के किनारे। तो उन्होंने यमुना के किनारे जो एक महल है वो बनाने का डिसाइड किया। तो ये जगह चूज़ की गई। फिर उसके बाद जो यहाँ के कौन बनाएगा उसके लिए डिसाइड करना था, उन्होंने चुना उस्ताद अहमद लाहौरी को। इस जो किले का निर्माण है, आर्किटेक्चर है, वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है। तो ये जो पूरा डिज़ाइन देख रहा हो ना, उनके अंडर में बनाई है। और ये बनना स्टार्ट हुआ था सन 1638 में, और ये बनकर स्टार्ट हुआ सन 1648 में। तो 10 साल लगे इस किले को पूरा बनने में। अब खर्चा कितना आया ये तो खैर मुझे नहीं पता। और ये जो किला था, इस किले का ओरिजिनल नाम जो था वो था किलाए मुबारक। लाल किला तो ये बोल लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ना, लोगों को कुछ चीज़ दिखती है लाल तो बोल दिया लाल किला। वो सुंदर बुर्ज दिखा, भाई बुर्ज तो बड़ा सुंदर है, तो सुंदर बुर्ज। कोई गुंबद दिखा, बड़ा गुंबद, छोटा गुंबद, सुंदर गुंबद। तो इस तरह लोग अपने आप से नाम बना लेते हैं। इसका जो बेसिकली जो इसका रियल नाम था वो था किलाए मुबारक। और ये जब बन के तैयार हुआ था भाई, बड़ी शानो शौकत से, बड़े गाजे बाजे के साथ इसका उद्घाटन किया था बादशाह ने। तो ये जो हमारा किला मुबारक है, अपनी इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो शुरू है, यहाँ की शुरुआत, यहाँ को आपकी बेसिक डिटेल्स से शुरू करते हैं, पार्किंग वगैरह, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वगैरह, और जो यहाँ की एंट्री टिकट है वो सब आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो।
दोस्तों लाल किले का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जामा मस्जिद रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल किले का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन क्यों नहीं है। देखिए वो जो है उधर की ओर है, काफ़ी दूर है, और जो लाल किले का रास्ता है वो उसके बैक वाला खुला है, मतलब आपको यहाँ से उतर के इधर जाना होगा, तो ये आपको पास पड़ने वाला है। दोस्तों ये है लाल किले की पार्किंग। यहाँ पे जो टू व्हीलर की पार्किंग के चार्ज हैं वो है 20 रुपीज़ फॉर 6 आवर्स, और इसके अलावा जो फोर व्हीलर हैं इनके चार्जेस हैं 40 रुपीज़ फॉर 4 आवर्स। और यहाँ से आपको लाल किले का दिल्ली गेट नज़र आ रहा होगा, इसे दिल्ली दरवाज़ा बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये है लाल किले का टिकट काउंटर, ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। चलिए अब मैं आपको यहाँ के टिकट प्राइसेस बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सारे टिकट प्राइसेस लिखे हुए हैं, जो एडल्ट हैं उनके लिए 50 रुपये का है, और अगर आप कैशलेस लेते हैं यानी ऑनलाइन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लेते हैं तो आपको 35 रुपये का पड़ने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ले लें। देखिए एक तो ये फ़ायदा होगा, ये जो इतनी भीड़ है ना, आप इससे बच जाएंगे, लाइन में लगने से बच जाएंगे। दूसरी बात, आपको 15 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा वो अलग। इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम है उसका टिकट जो है कैश में 80 का है, और जो ऑनलाइन लेते हैं या डेबिट कार्ड वगैरह से लेते हैं 56 का है। इसके अलावा यहाँ की जो टाइमिंग है वो सूर्य निकलने से लेके सूर्य डूबने तक है, यानी सनराइज टू सनसेट की है। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई टिकट नहीं है, वो फ्री है। चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ फॉरनर्स का। अगर फॉरनर्स आते हैं तो उनके लिए कैश में 600 का है और कैशलेस 550 का है, और जो म्यूजियम है उनके लिए 950 का है और 870 का है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सामने की ओर देख सकते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है ये सारे बैग्स जमा कराने की लगी हुई है। वहाँ सामने क्लॉक रूम बना हुआ है, यहाँ पर जो चार्जेस है क्लॉक रूम के वो 2 रुपीज़ पर बैग है। इसके अलावा यहाँ पर भी टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप टिकट ले सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा लाल किले का आने का रास्ता सुनहरी मस्जिद के पास से, ये लाल किले का टिकट काउंटर, और ये है लाल किले का दिल्ली गेट जो कि मैं आपको पार्किंग में से दिखा रहा था। ये वाला जो गेट है ये बंद है, सिर्फ मिलिट्री के लिए या कुछ स्पेशल लोगों के लिए खोला जाता है। और ये है लाल किले की खाई, कभी यहाँ पर पानी भरा रहता था और मगरमच्छ वगैरह होते थे। हमारी जो एंट्री होनी है वो होनी है लाल किले के लाहौरी गेट से, वो आगे की ओर है, तो हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लाल किले की ओर आगे तो बढ़ेंगे, आपको अंदर की चीज़ें तो दिखाएंगे ही, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दीवार दिखाता हूँ। देखिए इस दीवार की खासियत, ये आपको हॉल नज़र आ रहे होंगे, एक और नीचे दो, तो ये हॉल्स जो हैं उस टाइम पे गन्स के लिए बनाए गए थे। और कुछ अगर आप पास से देख पा रहे होंगे तो ऐसा है कि अगर यहाँ से कोई गन चलाएगा ना, यहाँ से कोई अगर गोली चलाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगी, लेकिन वो वहाँ से अगर गोली चलाते तो सीधे अगर लड़ाई हो रही होती थी तो जो यहाँ खड़े होते थे सिपाही उनको आकर लगती थी। तो कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ऊपर नीचे दोनों से आप शूट कर सकते हैं। ये बड़ा वाला होल देख रहे हैं, यहाँ पर तोप रख के यहाँ से शूट किया जा सकता है, तो काफ़ी कुछ था। इसके अलावा वो जो गुंबद वगैरह दिख रहे हैं वो यहाँ पर पहरेदारी के लिए बनाए गए थे, उस टाइम पे सिपाही वगैरह खड़े रहते थे, वो पहरेदारी करते थे। आपने कई फिल्मों वगैरह में देखा होगा, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये खाई टाइप बनाई हुई थी, यहाँ पे मगरमच्छ छोड़ रखे थे। चलिए अब हम जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आगे की ओर ही बढ़ते रहते हैं। दोस्तों ये है हमारा लाहौरी गेट, ये नहीं उसके पीछे वो जो नज़र आ रहा है जहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। देखिए इसको लाहौरी गेट क्यों कहा जाता है, इसको लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इसकी ऐसे नाक की सीज में जाएंगे सीधा तो ये लाहौर की तरफ खुलता है, तो इसका रुख जो है लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। और वो वाला जो गेट था वो दिल्ली की तरफ उसका रुख था, तो इसलिए उसे दिल्ली गेट कहा जाता है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो आप सामने दीवार देख रहे हो ना, ये वाली दीवार, ये जब लाल किला बना था, किला मुबारक बना था, ये लाल किले का हिस्सा थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो निर्माण है बाद में औरंगज़ेब ने करवाया था, और ये अब इसका निर्माण कराया था उस समय शाहजहाँ जिंदा थे, तो शाहजहाँ ने बोला था कि ये जो तुम दीवार बनवा रहे हो, ये जो गेट बनवा रहे हो, ये लाल किले के ऊपर एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है, क्योंकि वो इस गेट को, जो सुंदर सा गेट है ना,
दिल्ली दरवाज़ा और सॉरी लाहौरी गेट, लाहौरी दरवाज़ा उसको खुला रखना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब का ऐसा मानना था कि इस दीवार के ना होने से, इस वाले गेट के ना होने से महल की बेपर्दगी होती है, जो महल में औरतें होती हैं उनकी बेपर्दगी होती है, तो इसलिए उसने इस गेट का निर्माण कराया था। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर एंट्री करते हैं, फिर मैं आगे से आपको दिखाता हूँ ये कैसा है ये सब का सब। चलिए सो दोस्तों, ये है हमारा लाहौरी गेट और यहीं से होती है आम लोगों की एंट्री। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो बाहर का पोर्शन है ये औरंगज़ेब ने बनवाया था। चलिए अब मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ, जो लाल किले का मेन गेट है, लाहौरी गेट है, वो आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये है हमारा लाहौरी गेट, मेन दरवाजा जिसे कहते हैं, यही है वो। ये कभी यहाँ से सीधा खुलता था, ये वाला पोर्शन नहीं हुआ करता था, जहाँ पर अब मोदी जी चढ़कर अपना 15 अगस्त पर भाषण वाषण देते हैं, सिर्फ ये सीधा होता था शाहजहाँ के टाइम में, जिसे औरंगज़ेब ने बदलवा दिया था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ यहाँ की डिटेलिंग, वो पोर्शन जहाँ पे आप छज्जा लगा हुआ देख रहे हैं वो भी कभी खुला हुआ होता था। और ये हमारा सामने की ओर है छत्ता बाजार, चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर से ये जो हमारा छत्ता बाजार है ये दिखाता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ इसके इतिहास के बारे में। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, मुगलिया दौर में भी ऐसी होती थी, शाहजहाँ के टाइम में भी ऐसी शॉप्स होती थी, लेकिन फर्क इतना था कि शॉप्स जो थी उसके टाइम पे दोनों साइड होती थी, ऊपर नीचे। ये जो है 64 कमरे बने हुए हैं, ऐसे जो शॉप थी ये 64 थी, 32 इधर 32 इधर। और ये जो आप ऊपर डिजाइन देख रहे हैं इसकी छत पर, ये फूल जो बने हुए हैं ये ऐसे के ऐसे कभी शाहजहाँ के दौर में हुआ करते थे। ये अभी हाल ही में ASI ने खोज के निकाले हैं, पहले कुछ टाइम पहले तक ये नहीं थे। जब ASI ने थोड़ी सी मेहनत करी यहाँ पे, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी, तो उन्हें ये डिज़ाइन मिले, तो उन्होंने ऐसे के ऐसे डिज़ाइन जो आप ये देख रहे हैं ना उकेर के रख दिए। अब बात करते हैं इसे छत्ता बाजार क्यों कहते हैं और शाहजहाँ को इसका आइडिया कहाँ से आया। देखिए, इसे छत्ता बाजार सबसे पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी छत है, ये ढका हुआ बाजार है और इसलिए इसे छत्ता बाजार कहा जाता है। और इसका आइडिया शाहजहाँ को सन 1646 में आया था, जब वो पेशावर में गया था, पेशावर में उसने इस तरह के बाजार देखे थे, तो उसने सोचा कि जब मैं ये अपना किला मुबारक बनवाऊंगा तो वहाँ पे भी एक ऐसा बाजार रखूंगा जो सेम टू सेम ऐसा होगा। और ये कोई आम बाजार नहीं था, यहाँ पर आम लोग आकर खरीदारी उस टाइम पे नहीं कर सकते थे जैसे कि आज लोग कर रहे हैं, ये शाही बाजार था। उस टाइम सिर्फ शाही घराने की जो महिलाएं हुआ करती थी वही यहाँ पर आकर खरीदारी करती थी। और जो यहाँ पर आइटम मिलते थे भाई वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, मतलब जैसे कि ईरान से आ रहा है, कोई इराक से आ रहा है, जो कीमती नगीने, कीमती कारपेट, कीमती रेशम, ये सब यहाँ पर मिलता था। तो ये हमने एक्सप्लोर कर लिया छत्ता बाजार। लेकिन अब छत्ता बाजार के साइड से ही एक रास्ता जाता है, आपको मैं पहले वाला पोर्शन दिखाता हूँ फिर हम सीधा चलेंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो है कभी इस पोर्शन में इस और ज़्यादा दूर तक दिया जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल आप जा सकते हो। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये लाल किले का पीछे का हिस्सा है, ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये सारी अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। वहाँ आजकल यहाँ का जो लाल किले का कैफे है, दिल्ली हाइट कैफे, वो चल रहा है, तो वो भी मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम ये वाला पोर्शन कवर करते हैं जो हिडन पोर्शन है यहाँ का, जहाँ पर सबको अलाउ नहीं है। यहाँ पर पहले कभी जब शाहजहाँ का दौर था, मतलब सन 1857 से पहले यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ और हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सब तोड़ताड़ के, जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना,
तो यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स बना ली। नजर आपको लाल किले की जो दीवार है जिसे प्राचीर कहा जाता है पीछे से कैसी दिखती है वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे की ओर लेकर चलूंगा। आगे सलीमगढ़ की जो दीवार है वो भी दिखाऊंगा। सलीमगढ़ का किला जो लाल किले से भी पहले का किला है और जिसको मुगलों ने अपना कैद खाना बनाया था, जहाँ पर जो राजशाही कैदी होते थे, मान लीजिए कोई शहजादा है, आपस में लड़ाई चलती थी ना इनकी तो घरानों में, तो उनकी लड़ाई हुई इनको कैद करते थे तो वहाँ रखते थे। तो ये जो लाल किले की दीवार है ये अंदर से पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ कमरे बने हुए हैं, वो देखिए कभी सेना के लिए या किसी और के लिए, जो भी है अलग अलग कमरे यहाँ रहे होंगे। थोड़ा सा पास से दिखाऊं मैं आपको। चलिए, एक दौर था जब यहाँ पर आपको भटकने भी नहीं दिया जाता था। ये देखिए इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, ये बने हुए रास्ते। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि अलाव नहीं है। तो ये कमरे हैं, ये ऊपर जाने के रास्ते हैं, वो ऊपर, ये जो आप देख रहे हो कभी ये शाहजहां के टाइम के ही हैं। ये ऐसा होता था, ये ठुके हुए ना, ये वाला, इसमें जो हमारी तिरपालें वगैरह होती हैं, कालीने वगैरह, मतलब जो पसे टेंट बनाते थे तो वो इनमें बांध बांध के बनाते थे। तो ये आला पोर्शन हो गया, ये मैं बिल्डिंग है अभी आपको सामने से भी दिखाऊंगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो पहला यहाँ का मेन जो छुपा हुआ चीज़ है ना वो दिखाते हैं, फिर आपको मेन लाल किला दिखाएंगे। सो दोस्तों, ये वो हिस्सा है जो सन 1857 के बाद पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। ये अंग्रेज़ों ने अपने रहने के लिए, अपने सेना के लिए बना लिए थे। उधर की ओर मिलिट्री है और क्या फ़ायदा मिलिट्री से, क्या करें। लेकिन उधर की ओर जो है हमारा सलीमगढ़ का किला है, तो मैं सलीमगढ़ के किले की ओर ही जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपको यहाँ से पीछे से दिखाना चाहिए, अभी इनको म्यूजियम्स वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे किसी में कैफ़े है, किसी में म्यूज़ियम है, यही सब कुछ है। ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, सील बंदी लगी हुई है, बंद है। हम इधर की ओर से चलते हैं और इधर की ओर जो पीछे का पोर्शन है वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो है लाल किले की बावली भी है, वो मुझे नहीं पता किस साइड है, लेकिन मैं आज आया हूँ तो ढूंढ के निकालूंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा। वहीं पर हमारे जो आज़ाद हिंद सेना के जो बड़े बड़े अफसर थे, शाहनवाज हुसैन था, क्या था आगे का नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, शाहनवाज, उनको पकड़ के रखा गया था, उनको कैद की गई थी, फिर उन्हें सजाएं सुनाई गई थी। तो इधर ही के पोर्शन, वो बावली वाले पोर्शन में था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो लेके जा रहा हूँ पीछे के पोर्शन में। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, जिस बावली के बारे में हम बात कर रहे थे, इधर से ही आ रहे थे, चलते चलते अंकल मिल गए। अंकल से मैंने पता करा, अंकल बावली कहाँ है, तो अंकल ने बताया बेटा आपके सामने ही है, ये रही बावली। तो ये लाल किले की बावली है, हिडन जेन है, यहाँ पर हर कोई नहीं आता है, ये बंद कर दिया, पहले तो आप जा सकते थे। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि कितनी गहरी है, ये 14 मीटर गहरी है, और क्या क्या है, उतार चढ़ाव को देख के पानी के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया जाता था। ये देखिए इसमें अभी पानी है, तो मैं आपको बस यहाँ से दिखा दूंगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। तो वो जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, वो उधर की तरफ, ये यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जेल खाने के तौर पे यूज़ करते थे। ऐसे कोई दिख तो रहा है नहीं, आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। वैसे तो जाना मना है और आगे पानी भी है, तो ये वो पोर्शन है। सामने की और भी रास्ता है, ये बावली ऐसी है, तो अभी इधर की ओर भी जाऊँगा मैं। तो देखिए कमरे बने हुए हैं, ये रहा। चलिए चलते हैं इससे पहले कि कोई आ जाए और हमें बोले। फोटो करा तुझे एक्सिडेंट मध्ये।
चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ये बावली, फिर उसके बाद सलीमगढ़ का किला, पीछे की दीवारें, ये सब दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए लेकिन अच्छी और डिटेल्ड वीडियो होगी। एक ये देखिए, ये पहली बावली है जो मैंने ऐसे एल शेप में देखी है। सामने से दिखाता हूँ आपको। चलिए ये देखिए वाला पोर्शन दिखाया था मैंने आपको, ये यहाँ का ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा इस साइड का थोड़ा टूट फूट रहा है। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर और जो यहाँ के हिडन चीज़ें हैं वो दिखाते हैं आपको, जो आपको हर वीडियो में यहाँ पर देखने को नहीं मिलती और कोई नहीं दिखाता। सो दोस्तों ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये जो हम अपना लाल किला है यहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता और किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है। इस सामने ये रोड है कश्मीरी गेट वाला, अगर आप यहाँ से झांकेंगे तो रोड नज़र आ जाएगा। सामने मिलिट्री वाले भैया खड़े हुए हैं, इससे पहले कि मुझे कुछ बोले तो मैं आपको थोड़ा दूर से ही दिखा देता हूँ। ये देखिए उन्होंने बोल दिया ओके सर। तो ये यहाँ के वही कमरे वगैरह बने हुए हैं, जालियाँ बनी हुई है घरों के। और ये देखिए ये वाला गेट, ये पीछे की ओर यमुना नदी की ओर वाला गेट है, ये दिख रहा है ना आप, थोड़ा जूम करके दिखाऊं। तो ये वो गेट है और ये जो है पुल जो मैंने बताया था ये सलीमगढ़ से लाल किले को कनेक्ट करता है, ये वो वाला पुल है। तो सलीमगढ़ आजकल मिलिट्री के कब्जे में है, वहाँ पर जाना किसी को अलाव नहीं है। इसका एक और रास्ता है पीछे की ओर से, आपने देखा होगा कश्मीरी गेट से। तो ये कभी मुग़लों का शाही कैदखाना हुआ करता था जहाँ पर मुग़लों के जो राजा, मतलब जो शहजादे वगैरह होती थी, शहजादियाँ होती थी या करीबी होते थे, उनको पसंद नहीं होते थे, वो उनको यहाँ ला के कैद कर दिया करते थे। तो यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। ये सामने आएंगे आप सलीमगढ़ का किला। चलिए ये तो मैंने आपको पीछे का पोर्शन घुमाया, ये यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया हुआ है छोटा सा, तो यहाँ पर आकर आप खा पी सकते हैं और कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर शायद बिनाले चल रहा है अभी, डेट्स तो उसकी 31 मार्च तक दिखा रहा था, हालांकि मैं आ चुका हूँ, वो बनाई है, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैं टाइम से नहीं आ पाया था तो उसकी मैं फुल डिटेल वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये यहाँ की कैंटीन है, कैफेटेरिया है, यहाँ पर आकर आप खा सकते हैं। एक बार हुआ तो मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या सामान कितने का मिलने वाला है। ये फ्री ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्री है, वाटर नहीं है। सो ये सब है यहाँ पर, हटिए लिस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अंदर से है, इस पे हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको ये सारी हिडन चीज़ें दिखाई हैं जो हर कोई आपको अपनी वीडियो में नहीं दिखाता है। ये छुपी हुई चीज़ें हैं, पीछे की ओर है, हर कोई इस साइड नहीं आता है, सब सीधा सीधा चले जाते आगे की ओर चले जाते हैं। अब हम भी क्या कर रहे हैं, हमने ये पीछे का हिडन एरिया पूरा कवर कर चुके हैं, अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, वहीं छत्ता बाज़ार की ओर ही। छत्ता बाज़ार से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, जो नौबत खाना है, क्या नाम है, दीवाने आम है, दीवाने ख़ास है, और जो यहाँ पर महल हैं, रंग महल, शीश महल, जो भी हैं वो सब हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो चल रहे हैं हम उधर की ओर ही, मिलते हैं, चलिए। सो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं अपना छत्ता बाज़ार की ओर, लेकिन आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये सब
ज़मीन के नीचे है, ये देख रहा हो ना, अगर आपको दिख रहा होगा उधर, मैं दिखाता हूँ। तो ये अभी खोद कर निकाला जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो इसका पुराना रूप था, प्राचीन रूप था, याले जो बाग है, इसको भी फिर से वैसे ही कर दिया जाए। तो लाल किला भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, अंग्रेज़ों ने काफ़ी कुछ यहाँ ज़मीन के नीचे दबा दिया है, जिसे हमारी ASI मेहनत करके खोज निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। चलिए हम वहीं जा रहे थे छत्ता बाजार से नौबत खाना की ओर, तो अब वहीं चलते हैं। सो दोस्तों, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, प्यारी सी दिख रही होगी वीडियो में, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तोड़ कर दिखे यहाँ पे दो एक चीज़ें। एक तो दिल्ली हाइट कैफ़े है लाल किले का, जो काफ़ी फेमस कैफ़े है, अच्छा भी है, मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉप भी है, जहाँ पर से आप एंटिक एंटिक आइटम्स ख़रीद सकते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तो बस एक आपको व्यू दे दूंगा वहाँ का, और जो यहाँ का कैफ़े है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये कुछ किस तरह का एरिया है, ये यहाँ की शॉप है, यहाँ पर आकर आप शॉपिंग खरीद सकते हैं। कुछ एंटिक चीज़ें चाहिए आपको, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अलाउ नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है, चलते हैं बाहर की ओर। लेकिन अगर आपको अपने घर के लिए कुछ एंटिक चाहिए तो आ जाइए यहाँ पर। इधर क्या है, कैमरा ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ऑफ कर देते, ठीक, चलो इधर की ओर चलते हैं। इधर ये हमारा दिल्ली हाइट कैफे है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है, आप ऐसे बैठ के यहाँ पर अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। उस साइड भी सिटिंग अरेंजमेंट है, मेन्यू दिखा देंगे। भैया थैंक यू। सो अब मैं आपको ये क्रॉस करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है। चलिए, ये यहाँ पर भी वेट लिस्ट है, केक्स या पेस्ट्री है, सॉरी, लेकिन केक्स की तरह लग रहे थे। आप आइए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लीजिए। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ इस तरह के सेटिंग, सॉरी पीछे नहीं देखा, चलते हैं बाहर की ओर। सो दोस्तों, ये आ चुका हम अपने छत्ता बाजार के पास वाला एरिया, हम पूरा कवर करके आ चुके हैं। ये बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई, ये जो बिल्डिंग थी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ पर है दिल्ली हाइट कैफ़े। अब हम चलते हैं सामने सीधा, वो जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है नौबत खाना। अब आप सोचेंगे नौबत खाना क्या, नौबत खाना मतलब वो ड्रम्स होते हैं ना बजाते ढम 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 दो लोग, वो नौबत खाना होता था, और वो तब बजता था जब मान लीजिए जिल्ले इलाही बादशाह सलामत महल में आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा रहता था, वो आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा और काफ़ी सीरियल्स में भी देखा होगा। होशियार, खबरदार, जिल्ले इलाही बादशाहों के बादशाह, शहंशाह फलाना ढिमाका आ रहे हैं, तो वो जो अनाउंसमेंट होती थी वो वहीं से होती थी सामने से। तो अभी हम उधर की ओर ही जा रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम है, ये रहा, ये मुगलों के दौर का ही है, ये कोई आज का नहीं है कि ये अभी बनाया है। चलिए, ये भी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, आधा म्यूजियम है और आधा यहाँ का एंट्री गेट है। हम वहीं से चलेंगे नौबत खाने से, सामने ही हमारा वो जो दिख रहा है आपको दीवाने आम, तो भी दिखाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा नौबत खाने की हिस्ट्री दिखा देता हूँ, आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये दिखाता हूँ, ये वाइट कर दिया गया है, जहाँ जाको वैसे वाइट कलर से काफ़ी लगाव था, मार्बल से
काफ़ी लगाव था शाहजहाँ को। तो ये हमारा नौबत खाना है, या आप यहाँ की जो नक्काशी वगैरह है वो भी देख सकते हैं। अभी और करीब से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फारसी में लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और इस पे लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो बस यही है, यही है, यही है। अगर फिरदौस बरवाए हास्ती, हमी आस्त कुछ ऐसे ही है, टूटा फूटा बताया मैंने आपको। तो ये यहाँ की नक्काशी, ये देखिए, और ऊपर की और भी छत पर नक्काशी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आवाज़ इको होती थी, यहाँ पे होता था वो सब कुछ जो मैंने आपको बताया, जो नगाड़े बजते थे वो। और ये देखिए, ये डिज़ाइन ASI ने हमारे क्रोध करके निकाला है। अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर जो ना प्लास्टर कर करके साला सब कुछ छुपा दिया था। ये देखिए लगा हुआ है पिलर। अब ये पता नहीं फारसी में है, उर्दू में है, अरबिक तो नहीं है, ये फारसी या उर्दू ही होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया फारसी होगी तो वो है। इसके अलावा ये दिखाता हूँ आपको, ये रियल नक्काशी लाल किले की। ये चीज़ें जो है ना आपको हर कोई अपनी वीडियो में नहीं दिखाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। ये गमलों का डिज़ाइन, इसको फ्रेम किया हुआ है, लोग देखते भी नहीं है, रुकते भी नहीं है, बस उन्हें आगे बढ़ने से मतलब होता है। ये देखिए, ये उस टाइम का मुगलिया दौर का कलर। तो हर जगह ऐसा ही है, अंग्रेजों ने तो ये कर दिया था, ये आए ये ऐसे प्लास्टर कर दिया और सब कुछ छिपा दिया। ये देखिए, मैं मानता हूं मेरी वीडियो लंबी होगी लेकिन चीजें मजेदार होंगी, डिटेलिंग अच्छी होगी। चले अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आपको ये नक्काशी दिखाते हैं, ये वाली ना, ये लाल किले की नक्काशी। कोई ऐसी वैसी नक्काशी नहीं है भाई, बहुत ही शानदार और जबरदस्त। ये देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न बने हुए हैं इन पर, बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन बने हुए हैं। आओ थोड़ा सा टाइम दो, इनको देखो, ये 10 साल में ऐसे ही नहीं बना था कि 10 साल इसको बनने में लग गए थे। वैसे अभी बंद है शायद, म्यूजियम था, मैं तो गया हुआ हूँ यहाँ ऊपर, घूमकर आया हूँ काफी पहले, तो मैं फ्री में गया था, मुझे आज भी याद है। ये देखो, चलो आगे चलते हैं। उस टाइम मैं काफी छोटा था, तो हम आए थे घूमने अपने फ्रेंड के साथ, घर के काफी करीब है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम गए, तो ये हम गेट पे आके खड़े हो जाते थे, यहाँ पे जो गार्ड्स होते थे, पुलिस वाले होते थे, बेटा आ जा आ जा 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 देख कर आ, घूम कर आ। तो हम अंदर गए, उस टाइम हमने भाई शाहजहाँ के उस दौर के कपड़े देखे, तलवारें देखी, बड़ा दिल खुश हुआ कि भाई ये सब चीज़ है। तो उस टाइम हमने फ्री में देखी थी, अच्छा सीटी बजा दी, वहाँ से चलो कोई नहीं, हम उधर की ओर से चलते हैं। यहाँ से एक अच्छा सा व्यू मिल गया, अब आपसे हम आगे की तरफ मिलते हैं। थोड़ा कट करते हैं वीडियो को, वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं जा रहा हूँ दीवाने आम की ओर। अब दीवाने आम के बारे में भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको लगेगा दीवाने आम यानी कोई भी आम जनता आके यहाँ पे खड़ी हो जाती थी, भाई ऐसा नहीं है। ये उस समय के बादशाह का दीवाने आम था, तो वो दूसरी किस्म के आम लोग होते थे, वो आम लोग नहीं होते थे कि बाहर से कोई भी आया, मुँह उठाया और यहाँ पर दीवाने आम में खड़ा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। चलो वह पहुंच गए हैं दीवाने आम, आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा दीवाने आम जो एकदम सामने की ओर है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, यहाँ की नक्काशी दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, दीवाने आम के बारे में। कभी यहीं पर तख्त ताऊस रखा हुआ था, ये देखिए सामने की ओर भीड़। यहाँ पर कभी बादशाह सलामत
आकर बैठा करते थे, लोगों की अर्जियां सुना करते थे। नीचे की ओर जो आपको वो रखा हुआ दिख रहा है तख्त सा, ये दिखाता हूँ, यहाँ पर जो बादशाह का वजीर हुआ करता था वो बैठता था और जो लोगों की शिकायत थी वो सुना करता था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है ये। ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, ये छतरी देख रहे हो, ये बंगाली स्टाइल में है। पीछे जो दीवार है वो भी बहुत खूबसूरत है, दिख नहीं रही, शीशा लगा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी वगैरह बने हुए हैं। तो ये हमारा कुछ दीवाने आम है। और ये देखिए आर्च, आर्च का डिज़ाइन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दूर से लगेगा शायद छोटे बड़े हैं, लेकिन ये सब एक साइज के हैं, बिल्कुल एक साइज के हैं। लेकिन दिखने पे जब हम इन्हें दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ये छोटे 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 होते जा रहे हैं। ये देखिए ये दीवाने आम हमारा कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पर कभी शाही घराने के कारपेट बिछा हुआ करते थे, लोग खड़े हुआ करते थे। क्या दौर रहा होगा, क्या शान रही होगी उस टाइम की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। ये रहा ये नक्काशी, क्या नक्काशी है ये देखिए। यहाँ पर बादशाह के शहजादे बैठे हुए हैं और वो जो छत दिखा रहा था मैं आपको बता रहा था बंगाली स्टाइल की, ये काम हुआ हुआ वो देखिए। वो जो जिस पर वजीर बैठता था, यहाँ पर बादशाह का वजीर बैठता था, वो जो कंप्लेंट लेटर्स होते थे वो लिया करता था। तो ये हमारा हो गया दीवाने आम। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे की जो यहाँ की लाल किले की इमारतें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वो था हमारा दीवाने आम। दीवाने आम से जब हम आगे की तरफ चलते हैं, इधर हयात बाग है जहाँ सावन भादो पवेलियन है, और इधर दीवाने खास और रंग महल है। तो पहले इधर की ओर ही चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है दीवाने खास, सामने खास महल, रंग महल, हयात बख्श बाग इधर की ओर है, मुमताज़ महल इधर की ओर है। तो पहले हम जो है जो हमारा दीवाने खास है, रंग महल है, ये सब एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तैयारी चल रही है, ये रात को लाइट एंड साउंड शो होता है तो उसकी तैयारी चल रही है। सो सामने वो मोती मस्जिद है, वो रहा दीवाने खास। तो पहले मैं आपको दीवाने खास लेकर चलता हूँ, फिर जो आगे की पोर्शन है, जो आगे के महल हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। दीवाने आम हो गया, अब दीवाने खास की बारी है। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम दीवाने खास के करीब, ये अभी एक्सप्लोर करेंगे। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है यहाँ की गुफा जो कभी सीधा आगरा में जाके खुलती थी, आज भी खुलती होगी। ये यहाँ से डायरेक्ट कभी बादशाह सलामत आगरा चले जाया करते थे। ये देखिए ये है हमारा दीवाने खास। यहाँ की आपको पहले नक्काशी दिखाता हूँ पास से, फिर आपको दिखाऊंगा अंदर से। देखिए यहाँ स्टोन वर्क, कैसा प्यारा स्टोन वर्क किया गया है। ये छत कभी यहाँ सोने का पानी चढ़ा हुआ होता था, बेशकीमती रत्नों से जड़े हुए झालर हुआ करते थे जो कि आज गायब है, नहीं है। वो रहा बादशाह का सिंहासन, ये वो वहाँ बैठा करते थे, खास लोगों की मीटिंग हुआ करती थी, खास लोग बैठते थे जो उनके राज्य की बातें होती होंगी उस टाइम की, फाइनेंस की, पॉलिटिक्स की, वो सब होते थे। ये देखिए ये एकदम सामने की ओर, ये देखिए अभी अंकल हैं, अंकल बता रहे हैं
कि ये जो है ना छत कभी गोल्ड की नक्काशी हुआ करती थी, यहाँ पे गोल्ड का पेंट होता था, जो सिर्फ आज उसके सिर्फ हल्का हल्का सा देखा जाता है। अंग्रेजों मतलब कहते थे खुरच खुरच के नाखूनों से खुरच खुरच कर ले गए, तो वो ले गए, तो इनको बता रहे थे ये भाई सुन के वो गए हैं वो ले गए खुरच के ले गए फॉरनर्स को ऐसा बता रहे थे। तो ये हमारा दीवान है खास है, और ये देखिए ये नहर है, नहर बहिष्ट जो यहाँ पर बहा करती थी, जो पूरे किले को ठंडा रखा करती थी। चलिए इधर की ओर चलते हैं। ये जो आप सामने की ओर देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग, ये है हमाम। हमाम समझते हैं ना आप, नहाने की बिल्डिंग, जहाँ पे कभी बादशाह महाराजा नहाया करते थे। तो खैर अभी चढ़कर देखता हूँ अगर कुछ दिख जाए तो। हाँ दिख तो रहा है लेकिन इसमें वीडियो में नहीं आएगा, काफ़ी काफ़ी प्यारा है, अगर आप आए तो झाँक कर देख सकते हैं। यह है लाल किले की मोती मस्जिद, आम लोगों के लिए बंद है। जब लाल किले का निर्माण हुआ था तो मेन स्ट्रक्चर में ये वाली मस्जिद बिल्कुल भी नहीं थी। इसका निर्माण बाद में औरंगज़ेब ने कराया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और जो उसके घर के लोग होते हैं उसके लिए। बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर मस्जिद है, अंदर मैंने देखी हुई है, जब मैं आया था छोटा सा तब ये इसका गेट ओपन था, अब इसे क्लोज कर दिया गया। तो ये इसका गेट है। क्या नाम है बेटा आपका? तो ये देखिए ये उसी दौर का गेट है, औरंगज़ेब के टाइम का। चलिए अब उधर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम वो वाला पोर्शन कंप्लीट करके आए, मोती मस्जिद, हमाम खाना और दीवाने खास। अब ये आ चुका है खास महल। खास महल बोले तो जो बादशाह सलामत का रहने का महल हुआ करता था। देखिए हम कमरों में रहते हैं ना, वो महल रहते थे, इन्हें छोटे छोटे को महल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए शाहजहाँ का बेडरूम, आपको दिख रहा होगा ये सामने जो तराजू बना हुआ है, काफ़ी फेमस तराजू, इंसाफ का तराजू। मतलब जानते हैं ना आप इंसाफ क्या होता है, ऐसा माना जाता था कि मुगल बादशाह इंसाफ परस्त हुआ करते थे, ये उसकी जाली है। यहाँ पर तीन रूम बने हुए हैं अंदर, पहले यहाँ जाना अलाउ था, अब जाना अलाउ नहीं है भाई। यहाँ के हिंदुस्तान के लोग मतलब इंडिया के लोग, हमारे लोग बहुत ही बदतमीज़ किस्म के हैं, बस तोड़ा ताड़ी लिखा लाखी पूजा आई लव यू ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये नक्काशी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, काफ़ी प्यारी है। इसके अंदर तीन रूम है, एक रूम हुआ करता था बादशाह का अपना पर्सनल इबादत खाना है, यानी जहाँ पर वो अपनी इबादत किया करते थे, पूजा पाठ तो नहीं बोलूँगा इबादत ही बोलूँगा, इबादत किया करते थे। तो एक रूम तो वो होता था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर अंदर झक के, अभी तो खैर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा रूम होता था वो होता था बादशाह का बेडरूम, वो आपका जहाँ पर बादशाह सलामत कभी सोया करते थे और हसीन हसीन ख्वाब देखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा रूम भी होता था जिसे बैठक बोली जाती थी, जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते होंगे या अपने जो घर परिवार के लोग होंगे उनके साथ बैठ के हंसी मजाक कुछ जैसे हम बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो वो करते होंगे। तो बैक था वो उधर की तरफ खुलता था दीवाने खास की तरफ, और ये इधर की तरफ है। ये देखिए यहाँ की नक्काशी, बहुत ही खूबसूरत, ये सब नोच दिया भाई अंग्रेजों ने, नोच नोच के ले गए। यहाँ पे जो रतन जड़े हुए थे ना, ये सामने की ओर आप देख रहे हो ना, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, ये लाइन सी दिख रही है, ये थी नहरें बहित जो पूरे महल में बहती है, जो पूरे महल को जो है ना गर्मी में भी ठंडक ठंडा रखती है। आपको मालूम है दिल्ली वालों को दिल्ली का जो गर्मी होती है किस लेवल की होती है। चलिए अब आगे की ओर चलता हूँ और अब आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे जाने का रास्ता, ये भी कुछ गुफा टाइप ही है। ये देखिए पहले हम आगे की और आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ये है हमारा रंग महल, जहाँ से अब रंग बिल्कुल उड़ चुके हैं, आप देख सकते हो ना। ये देखो वो छत पे से भी पत्थर हटके गिर चुका है, काफ़ी बुरी हालत में है, इसको काफ़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। सो ये कभी रंग महल हुआ करता था, और कभी बड़े खूबसूरत खूबसूरत
रंगों से इसको सजाया हुआ था, लेकिन आज ये उजड़ा चमन नजर आ रहा है। आपको सामने से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और जो मैं आपको बता रहा था, नेरे बहिष्ठ पूरे महल में बिखरी हुई है। ये यहाँ से बह के आती थी, वहाँ से बह रही है, वहाँ से बहना शुरू होती थी, आगे तक जाती थी, यहाँ से भी बहती हुई है। पूरा महल में ये बना हुआ है सामने पूल, यहाँ पे जाती थी वो सामने दीवाने। खास है, पहले मैं आपको रंग महल दिखा देता हूँ। ये रहे होल बने हुए ना, ये रहे, ये होल बने हुए हैं, ये रहे होल्स। यहाँ से पानी गिरता था और ये होल बने हुए हैं, इन होल से होते हुए सीधा वहाँ जाता था ये फवारे। उस टाइम किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह से इनको इंटरकनेक्ट किया करता कि पानी बहेगा, फवारे चलेंगे। और ये देखिए बीच में प्यारा सा फ्लावर, वो दिख नहीं पा रहा होगा, देखता हूँ मैं अगर जूम होकर आपको दिख जाए ऊपर करके। वहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा फवारा निकलता था, तो ये होता था। चलिए पहले अब मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम उधर चलेंगे, उधर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। अब मैं लाल किला घूम रहा, तो लाल किला बहुत ही बड़ा है, ये आप मान के चलिए, तो वीडियो भी बहुत बड़ी होगी। अभी तो मेरे ख्याल से मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद मैंने अभी तक 70% ही इसका हिस्सा कवर किया है। ये देखिए ये यहाँ पे, ये जहाँ तक मुझे लगता है इनकी स्पेशलिटी थी। हाँ, मुझे इसमें एक भी कट नज़र नहीं आ रहा, एक भी कट। तो ये एक सिंगल मार्बल का बना रखा है भाई, ये देखो सिंगल पीस का बना हुआ है ये। क्या खूब नक्काशी रही होगी। वो दीवाने आम है, वो बैक साइड है, वहाँ पे एंट्री करने की दीवाने आम में, क्या आप देखोगे ना, ये एक सिंगल कट का है, एक पत्थर से बना हुआ है, अगर आप इसको आकर करीब से देखोगे तो। चलिए अब हम उधर की ओर चलते हैं। मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बस जरा सी बना के दे दो अंदर की, मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अंदर ऐसा कुछ बस नहीं, कोई नहीं, बना दो बना दो बना दे। सो ये हमारे भाई हैं, ये वीडियो जो आपने अंदर की देखी, इन्होंने बना के दिए, इनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। भाई आपको लेके मैं क्या करूँगा, तो आपने अंदर से देखा, देखिए कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे जो आपको अंदर के भी नज़ारे दिखा देते हैं। ये पूरा भैया वहाँ से अंदर गए और अंदर से अच्छे से इसको बना के लाया। हम जा रहे हैं मुमताज महल की, और वो मुमताज महल है सामने की, और जो वाइट वाइट आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा मुमताज महल, कभी यहाँ गेट हुआ करते थे बड़े प्यारे खूबसूरत से शीशों के, जो कि अब मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए अपनी प्यारी बेगम मुमताज के नाम पे रखा गया है, इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, तो ये है हमारा मुमताज महल। ये देखो ना, वो कर दिया वाइट वॉश कर दिया, लेकिन ये अभी अभी आपको यहाँ की नक्काशी दिख रही होगी। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे नक्काशी होती थी, हर जगह नक्काशी। अरे अंग्रेज आए नोच नाच के, सब नोच नोच के ले गए। तो ये हमारा मुमताज महल है, यानी मुमताज का बेडरूम, आप ये समझ लीजिए, महल मतलब उनका बेडरूम।
तो ये वो है जो आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ की नक्काशी की तो लंका लगी पड़ी हुई है। वो फॉरबिडन एरिया है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। ये अपना इधर कश्मीरी गेट वाला रोड है, और ये वाले जो हम महल हैं सारे कंप्लीट कर चुके हैं। सो दोस्तों, वाला पोर्शन हम पूरा कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हो, इसे बोलते हैं हयात बख्श बाग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो पवेलियन बनाए हुए हैं, सावन भादो पवेलियन। ये सेम है सावन, और वहाँ वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है भादो। पहले मैं आपको सावन दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे की ओर दिखाऊँगा। यहाँ पे आपको मैं अंग्रेज़ों की कारस्थानियाँ दिखाऊँगा, कैसे नोच नोच के यहाँ के जो बहुमूल्य स्टोन्स थे वो ले गए। ये देखिए नक्काशी दिखाता हूँ मैं पहले आपको, क्या खूब नक्काशी। ये देखिए तो ये कुत्ते भागते हुए मेरे पीछे से, ये पैटर्न बनाए हुए हैं। ये रहा, ये यहाँ से भी पानी बहता था जो सामने जाता था। ये सारा आप देख पा रहे हैं ना खूबसूरत सा, ये सावन पवेलियन है। भाई देखे फोटो खिंचवाते हुए, भाई एक सेकंड इधर हो गए। ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर से पानी आता था बहता हुआ और सीधा सामने की ओर जाता था। कितना खूबसूरत है। अब आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। ये जो आपको रेड रेड पोर्शन नजर आ रहा है बीच में, उसे बोलते थे जफर महल। चलिए वहां चलते हैं। ये आ गया हमारा जफर महल, जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ है। इसका आने का एक रास्ता हुआ करता था। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। वैसे वो कभी यहाँ पर बात भी लिया करते थे। अभी जो रास्ता है वो टूट चुका है, अभी टूटा हुआ रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर भी पानी भरा रहता था। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से आता था, ये होल होल से होता हुआ अंदर, अंदर से इधर से होता हुआ उधर आगे की ओर। ये बने हुए सब, और वो हमारा जफर महल है। आगे वो सेम भादो पवेलियन है, तो उधर की ओर ही चल रहे हैं। ये सब एक जैसा ही है, आप देखोगे यहाँ पर सामने। अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो वाइट वाइट पोर्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हीरा और मोती करके दो महल हुआ करते थे, मंडप हुआ करते थे, कुछ भी बोल लीजिए। जिसमें से एक अंग्रेज़ों ने इधर वाला तोड़ दिया, एक बचा हुआ है। ये भी आप, यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये बीच से मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए अंदर आप देख सके तो, काफी जर्जर अवस्था में है ये। और सामने हमारा भादो पवेलियन है, तो हम भादो पवेलियन की ओर ही जा रहे हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ पे नहरें निकली हुई हैं चारों ओर। ये रहे, ये नहरें ऐसे आगे थी भी थी जो मैंने आपको खुदाई में उस टाइम दिखाई थी। ये रहा भादो, ये भी सेम है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, बिल्कुल सेम है जैसा वहाँ है वैसा ही यहाँ पर भी है। मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वो महल दिखाऊंगा जो उसके कोने में हुआ करता था। तो ये सेम है। इधर वाले का फर्क इतना है कि यहाँ वाले के जो स्टोन है ना वो नोच नोच के निकाल लिए। ये रहे, ये देखो एक भी स्टोन नहीं है यहाँ पर, एक भी स्टोन नहीं छोड़ रखा। चलिए अब जो मैं आपको बोल रहा था,
मोती मोती महल वो दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे कुआ है, ऐसे यहाँ पे ढेरों कुएं हैं। देखो इसका डिज़ाइन भी देखो, काफ़ी एंटिक तरीके से डिज़ाइन है यहाँ का, ये दिख रहा हो ना आप, काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिकोणीय बना रखा है। वहाँ से नाली भी है, वो नदी से ड्रेन सिस्टम बना हुआ है, कुआ है, काफ़ी गहरा होगा ऑफकोर्स। ये देखिए चारों तरफ इसके ऐसे निकला हुआ है, ये भी बहने का सिस्टम वहाँ बंद है। और वो जो मैं मंडप आपको बता रहा था वो रहा हीरा मोती। तो एक तो ये अंग्रेजों ने तोड़ दिया, बस एक बचा हुआ ये सामने की ओर है। ये देखिए ये रहा, एक्चुअली मैं वहां जा नहीं रहा इसलिए क्योंकि वहां कुत्तों की फौज बैठी हुई है, क्या पता मेरे ही पीछे पड़ जाए। तो ये वाला एक ऐसा सेम ये वाला पोर्शन जो है उधर भी होता था सीधा इसकी नाक की शेप में, ये जो सीधा है ना इसकी नाक की शेप में इधर भी होता था, वो तोड़ दिया। तो ये मोती महल कहा जाता है, वो अंग्रेजों ने तोड़ दिया। चलिए अब हम इधर की ओर चलते हैं, और ये जो आखिरी का हमारा पोर्शन बचा वो दिखाते हैं आपको। ये दिखिए डिज़ाइन, मुझे पता नहीं है कि अभी तक किसी ने इतनी डिटेल्ड वीडियो यहाँ की बनाई भी है या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, व्यूज़ नहीं आते। ये देखिए ये है नहरे बहिष्ट के स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से नहरे बहिष्ट बहना स्टार्ट होती थी। जल्दी चलता हूँ मैं आपको पास लेकर के। देखिए यहाँ पर भी जाना अलाउ नहीं है, वो पॉइंट है वहाँ से बहती हुई सीधी खास वो दीवान खास खास महल मुमताज़ महल, तो वो यहाँ से बहना स्टार्ट करती थी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, दूर से तो मैंने आपको दिखाई दिया है, देखिए लिखा हुआ भी है नहरे बहिष्ट। ये यहाँ की कुछ नक्काशी है, पिलर पे वर्क है, और वहाँ जाना अलाउ नहीं है। ये शाहबुर्ज है, ये वाला ये जो दिख रहा है आपको ये सामने की ओर, देखिए रास्ता है ना वहां से पूरा। सो ये हम ऑलमोस्ट अपना किलाए मुबारक घूम चुके हैं। सो दोस्तों ये था हमारा लाल किला, जो कि आपने देखा मैंने कितना डिटेल में आपको घुमाया है, यहाँ की एक एक चीज़ दिखाई है, एक एक जगह दिखाई है, जो जगह किसी ने नहीं दिखाई वो सब मैंने आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक दे देना, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कोई भी क्वारी हो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल पर नए हो तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भाई कुछ नहीं होता, पैसे वैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ जो घंटी होती है उसे बजाना होता है, बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ किसी दूसरी जगह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें मेरे साथ।